भैया इससे भाषण देंगे अरे जी भैया आप अपना परिचय दें। मैं बद्रीनाथ किरण वार्ड का पार्षद पति हूं और इसका जो एक्सीडेंट जो आज हुआ है उसका जस्ट एक्सीडेंट के बाद पहुंचा हूं। जस्ट एक्सीडेंट के समय में ना मेरा भाई खड़ा था, बताएगा आगे मैं बताऊंगा। बोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू कुमार निराला, परसाभाटा निवासी हूँ। जस्ट ये मेरे घर के सामने हुआ है एक्सीडेंट। तो ये हाईवा जो है कोयला वाले का गाड़ी बहुत तेजी रफ्तार से आ रहा था। ये गाड़ी किधर से आ रही? इस साइड से, बालको साइड से इधर जा रही थी। बालको साइड से दर्री जा रही थी जी, और ऑटो आ रही थी कोरबा से वो बालको की तरफ जाने के लिए। जाने इसमें कितने लोग सवार रहे होंगे ऑटो में? आप करीब ये 7-8 लोग थे। 7-8 लोग? 6 लोग। 6 लोग और 2-3 बच्चे थे। 2-3 बच्चे जी। इनकी क्या हालत है बच्चों की? सब सीरियस है, सब सीरियस है। एक्सीडेंट के जस्ट बाद 5 मिनट बाद मैं पहुंचा हूं यहां पर। फिर मैं देखा हूं कि इसमें 3 बच्चे थे और 2 महिला, 1 महिला और 1 जेंट थे और ड्राइवर था। इतना लोग थे जिसको मैं जैसे पहुंचा हूं ना तो लोग सीरियस कंडीशन में उन लोग यहां पर पड़े हुए थे। किसी का सिर को लगा है, किसी का हाथ को लगा है, 2 जने तो बेहोश भी हो गए थे, 2 बच्चे भी बेहोश हो गए थे। तो आनन फनन में हमने वहाँ पर ऑटो को रुकवाया, ऑटो में सबको 3-4 ऑटो में बैठाया है, फिर बालको हॉस्पिटल भेजा है। इस तरीके से ये आज का दिन गुजरा है। उसके बाद से ड्राइवर कितना टाइम भाग गया, कहाँ से चला गया ये पता नहीं है। इनकी रफ्तार की वजह से, गाड़ियों की रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसका ना जाने हम लोग कितने समय से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पत्राचार के चक्कर में जाम करते हैं और रोड को भी रोक के करते हैं, लेकिन आज तक इसका सलूशन नहीं हो पाया है। तो आज का हमारा यही कहना है कि हम लोग जो बड़ा गाड़ियाँ हैं जो चलता है वो बस ये रोड को बस्ती के लिए छोड़ दें, और बड़ा गाड़ियाँ अपना जहाँ से ले जाना है वहाँ से ले जाए, बस इतना ही मांग है और कुछ भी नहीं है। अभी हमने देखा कि 2-3 रोज पहले 3 लोग और खत्म। जी जी, इससे परसों की ही बात है, 3 रोज पहले की ही बात है, जिसमें 3 लोग को इसी तरह का हाईवे गाड़ी ने बुरी तरीके से रौंद दिया। उनका तो ऐसा था कि बॉडी को उठाना मुश्किल हो गया था, समेटना पड़ा था बेलचा, तो इस कंडीशन हो गया था। उस दिन भी आश्वासन मिला था कि अब रफ्तार से गाड़ी नहीं चलेगी, अब नहीं होगा एक्सीडेंट, लेकिन 3 दिन बाद दिवस फिर से आज हो गया, ये फिर वही दशा आ गई है। तो हमारा सभी लोग का कहना यही है, महिलाओं का भी कहना है, पूरे वार्डवासियों का कहना है कि इसमें बड़े गाड़ियां चलने नहीं देना है, बस्ती वालों के लिए रोड को छोड़ दे। बड़ी गाड़ियों के लिए बालको अपना परिवर्तित मार्ग चयन करे। अब हाँ, बड़ी गाड़ियों के लिए परिवर्तित मार्ग चयन करे, अब कहाँ से करेगा कैसे करेगा वो समझे। जी आप अपना नाम बताइए। मैं अशोक स्टूडियो से बोल रही हूँ, उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, और क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट को रोकने के लिए यहाँ पे बोलते हैं तो पुलिस वाले धमकी देते हैं, टीआई भी धमकी देते हैं, और सब अधिकारी धमकी देते हैं, शासन देते हैं, और कुछ होता नहीं है। और रात दिन हम लोग को मतलब एकदम डर से हम लोग बाहर निकलते हैं, आए दिन डर से निकलते हैं, और दारू पी के पूरे स्पीड में उन लोग चलाते हैं, मतलब ड्राइवर लोग। अब हमारा क्या कर लोगे करके बोलते हैं, हम तो चलाएंगे, रोड हमारी है करके बोलते हैं। तो इसके लिए बालको तो बोल रहे हैं आप लोगों को ना, बताया बालको कुछ नहीं कर रही ना, बालको को तो 21 महीने हो गया, आश्वासन दिया था 11 महीने में हम विकल्पित मार्ग निकाल के देंगे करके, अभी तक 11 महीने उनका हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए। 11 महीना से 21 महीने हो गया, अभी तक कुछ किया नहीं है वो। अब भी जस्ट कल बना के दे हम लोग यहाँ, जब तक विकल्पित मार्ग नहीं निकलेगा गाड़ी हम बिल्कुल इसमें चलने देंगे। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन उतना थे, हम यहाँ पे बैठेंगे, जो भी होगा मार धार जो भी, सबके लिए निपटने के लिए तैयार है हम पूरा। सभी का यही निर्णय है पूरा जी। धन्यवाद।